गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने वीडियोस अपने बनाई थी तो उसमें हमने आपको एक्सरसाइज 4C और एक्सरसाइज 4D जो है वो उसमें हमने आपको एक्सप्लेन करी थी, जिसमें हमने आपको सिंपल डिवीजन के सम्स जो है वो सारे सॉल्व करवाए थे। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस बुक देयर इज अनदर मेथड ऑफ डिवीजन व्हिच इज गिवन इन दिस बुक। उस मेथड से मैंने भी आपको सम सॉल्व नहीं करवाए हैं, आज मैं उसी मेथड से आपको सम सॉल्व करवाऊंगी। एक्सरसाइज 4D में मैंने आपको सम 1 और सम 7 और 8 क्लासवर्क में करवाया था। सम नंबर 2, 3, 4 जो है वो मैंने आपको नहीं करवाए थे, क्योंकि वो सेम उसी तरह से करने थे जैसे हमने एक्सरसाइज 4C के सम्स को सॉल्व किया था। अब वही सम्स जो है वो एक्सरसाइज 4D में सम नंबर 2 जो है वो मैं आपको उसी मेथड से एक्सप्लेन करूंगी जो मेथड हमारा बुक में दे रखा है, उसी बुक वाले मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो राइट डाउन सम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4D, 722 डिवाइड बाई 28। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सम्स है इसमें हम इन नंबर्स को, जो भी हमारे टू डिजिट वाले नंबर्स हैं, जितने भी डिवीजन बाय टू डिजिट नंबर जो है, इन नंबर्स को हम जो है 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 इनसे डिवाइड करेंगे। इसमें हम किसी और से नहीं लेंगे, हम सिर्फ यही नंबर यूज करेंगे। जैसे ये हमारा सम है 722 डिवाइड बाई 28, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 722 डिवाइड बाय 28। अब हम क्या करेंगे, 28 का टेबल अगर हम 10 तक पढ़ते हैं तो हमारा आंसर आएगा 280, अगर हम 20 तक पढ़ते हैं तो 28 को 20 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 20, तो हमारा आंसर आएगा 560। मैंने आपको भी बताया 1, 2, 5, 10, 20, 30 इन्हीं से ही डिवाइड करना है और नंबर्स हमको यूज नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर 10 से किया तो 280 हो गया, 20 से किया तो 560 आ गया। अब हम माइनस करेंगे, देखिए 2 माइनस 0 2, अब 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लीजिए यहाँ 7 में से, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 एंड 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, 162। अब 28 के टेबल को अगर हम 10 से करते हैं, 280 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम कहा इसको किससे करेंगे, डिवाइड 5 से करेंगे, 28 5 जा, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 40 140। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 0 2 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्या हो गया, अब देखिए 22 जो है वो 28 से स्मॉल है, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर, तो हमारा यही 22 जो है रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि अब हम इस टेबल को 28 के टेबल को आगे नहीं पढ़ सकते, बिकॉज रिमाइंडर इज 22, ये 22 रिमाइंडर है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे REM। और ये जो हमने, ये हमारा क्वेश्चन है, 20 और 5 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 25। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 22 एंड क्वेश्चन इज इक्वल टू 25 एंड डिवाइजर इज इक्वल टू 28। चेक का सेम वही फॉर्मूला है, देखिए चेक कैसे करना है, मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 28 से हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर क्या है हमारा, तो सॉरी क्वेश्चन 28 नहीं बेटे, सॉरी क्वेश्चन है हमारा 25, मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर इज 28 प्लस रिमाइंडर इज 22 और डिवाइडेंड क्या है हमारा 722। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ आपको, एट फाइव फाइव एट या 40, कैरी 4,
7 यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 700। अब उसमें हमने ये 22 रिमाइंडर प्लस कर दिया तो व्हाट इज द आंसर 700 प्लस 22 इज इक्वल टू 722। सो आवर डिवाइडेड इज 722। इट मींस आवर सम इज करेक्ट। सो स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिए, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले आप सम को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, फिर आप 1, 2, 5, 10, 20, 30 इसी से ही आपको डिवाइड करना है 50, 100। आप देखिए 28 को अगर हम 10 से करते हैं तो 280, अब 280 तो इससे बहुत स्मॉल है, अब 20 आ जाइए, 20 से करेंगे तो 560 हो जाएगा। 560 में से हमने 720 में 2 में से 560 माइनस करा, हमारा आंसर आया 162। सो देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 28 ये 162 आया, अब 28 के टेबल में 162 नहीं आता, तो 28 को 10 से करेंगे तो 280 हो जाएगा, नहीं 10 से कम हमें कौन सा नंबर से डिवाइड करना है, 5 से। आप बुक में देख लीजिएगा पेज नंबर 48 पर, 48 पे आपका लिखा हुआ है डिवीजन बाय टू डिजिट नंबर, उसमें पूरा लिखा हुआ है किन किन नंबर से हमको इसे डिवाइड करना है। अब हमने इसको 5 से डिवाइड करा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 को तो हमारा आंसर आएगा 140। अब 162 माइनस 140 तो ये क्या बचा हमारा, माइनस करके आंसर आया 22। अब 22 इज स्मॉलर देन 28, तो वो डिवाइजर से स्मॉलर है इसलिए यही हमारा रिमाइंडर होगा, क्योंकि अब हम आगे टेबल को नहीं पढ़ सकते। इन दोनों को हमको प्लस कर देना है, यहाँ पर ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो प्लस करके जो आंसर आया दैट इज क्वोशेंट। ये जो आंसर है ये रिमाइंडर है, दिस इज डिवाइजर। चेक का सेम वही फॉर्मूला है जो हमने पहले वाले डिवीजन वाले सम्स में आपको समझाया था। सो स्टूडेंट राइट डाउन सम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4D। नाउ स्टूडेंट्स राइट डाउन सम नंबर 3, 427 डिवाइड बाय 44। देखिए अब हम बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब 1, 2, 5, 10, 20 इससे हमको डिवाइड करना है। देखिए अब 44 को अगर हम 10 से करते हैं तो 440 हो जाएगा, 440 इज बिगर देन 427, तो इसलिए हम 10 से नहीं करेंगे और 9, 8, 7, 6 से हमको करना ही नहीं है। तो 10 से स्मॉलर कौन सा नंबर लेंगे हम, 5, तो किससे करेंगे हम, 5 से करेंगे। अब देखिए क्या आंसर आएगा, 5, 4, 20 कैरी 2, 5, 4, 20 प्लस 2, 22। ठीक है अब इसको हम माइनस करेंगे, 427 माइनस 220, सो 7 माइनस 0 7, 2 माइनस 2 0 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब हमारा आंसर क्या आ गया 207। अब 44 का टेबल जो है हम अगर 5 तक पढ़ेंगे तो 220 आएगा, बट 220 इज बिगर देन 207, तो हम 5 से नहीं करेंगे, 5 से स्मॉलर कौन सा नंबर लेना है हमको, 2, तो 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 44 2 जा, तो 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, 44 2 जा कितना हो 88। अब हम इसको माइनस करेंगे, ये कैरी लिया, 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9, ये अगर 10 है तो अगर हमने कैरी ले लिया तो ये 9 रह गया, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 और 2 की प्लेस पर क्या रह गया यहाँ पर 1। अब हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 119, यानी 207 माइनस 88 इज इक्वल टू 119। अब हम फिर से 44 का टेबल लेंगे, कहाँ तक लेंगे, 44 को टेबल 5 तक तो लेंगे नहीं क्योंकि 220 जो है वो बिगर है 119 से, तो वही 2 तक ही लेंगे हम, 44 2 जा 88, अगेन 88 लिखेंगे। अब माइनस कीजिए, माइनस करके आंसर आएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 और 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, 31। अब 31 इज स्मॉलर देन 44, इट मींस हमारा सम कंप्लीट हो गया, तो दिस 31 इज रिमाइंडर, REM, REM मींस रिमाइंडर, एंड दिस इज क्वोशेंट, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9। ध्यान रखिए इनको हमें प्लस करना है और यहां पर हम माइनस कर रहे हैं। अब हम अपने सम को चेक करेंगे, देखिए चेक कैसे करेंगे, वही आप लिखिए यहां पर, चेक क्वोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेड।
सो क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 मल्टीप्लाई डिवाइजर इज इक्वल टू 44 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 31 और डिवाइडेड क्या आएगा हमारा 427। अब 9 को 44 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 फोर जा 36 कैरी 3, 9 फोर जा 36 प्लस 3 39 प्लस 31 इज इक्वल टू 427। अब 396 में आप 31 प्लस कीजिए, 6 प्लस 1 7, 9 प्लस 3 12 कैरी 1 3 प्लस 1 वही 427 डिवाइडेड है, यही हमारा यहाँ पर आंसर आया 427। इट मींस आवर सम इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये टू सम्स जो है वो बुक के अकॉर्डिंग जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। दिस इज द न्यू मेथड ऑफ डिवीजन। सो मैंने जो 4C एक्सरसाइज में आपके बेटे सम नंबर 13, 14 और 15 जो स्किप किया था, वो सम नंबर 13, 14 और 15 आप इसी मेथड से प्रैक्टिस करेंगे, इसी मेथड से प्रैक्टिस करेंगे। यही आपका होमवर्क है कि आपको इस मेथड की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस मेथड एट होम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एनी टाइम आफ्टर 11 AM। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।